गाइज, अभी आप लोग देख रहे हो कि YouTube पर काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह डिलीट हो रहे हैं, चैनल वगैरह टर्मिनेट हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए कि 3.4 मिलियन का चैनल है ना, अभी टर्मिनेट हो चुका है और कुछ चैनल के वीडियोज़ वगैरह डिलीट हो चुके हैं। इसके दो रीज़न है फ्रेंड्स, मैं आपको पहला रीज़न ये बता देता हूँ। अगर आप कभी भी यूट्यूब पर वर्क करते हो, यूट्यूब पर आप वीडियोज़ अगर अपलोड करते हो, तो आपका फेस कैमरा सबसे पहले आप रखिए। अगर आपका फेस कैमरा नहीं रहता है, इसका प्रोपराइटर कौन है पता नहीं, इसका यूट्यूबर कौन है पता नहीं है, तो आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। तो आपका है ना 90% तो आप 90% भी नहीं, आप 50% भी आप अपना फेस कैमरा रखिए, क्योंकि फेस कैमरा रखने से पता चल जाता है कि ये क्रिएटर है, ये यूट्यूबर है, इसका ये वीडियो है करके हर किसी को पता चलेगा। ऐसा हो कि आपका इतना सारा मिलियन सब्सक्राइबर आ गया है, कभी यूट्यूब वाले ने आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया किसी कारण, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट डाल दिया या कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह 3 आ गए आपको, तो इसके वजह से अगर आपका चैनल डिलीट भी हो जाता है, तो आप नया भी चैनल ओपन करते हो तो ऑडियंस है ना देखना चाहिए कि ये आपका फेस, अगर आपका फेस देखते हैं तो अगर आप नया भी चैनल ओपन करते हो तो वहाँ से आपको ना जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर आ जाते हैं, क्योंकि आप इतना फेमस हो चुके रहते हो। तो गाइज, जितना हो सके आप अपना फेस कैमरा आप सबसे पहले अपना चैनल पर लाइए, तो आपको यही फोकस होता है कि ये क्रिएटर है, ये इसका चैनल है। आप दूसरा भी चैनल ओपन करते हो तो वो आपको देख के ना सब्सक्राइब करता है, क्योंकि एक अच्छा क्रिएटर है। अभी ये हो गया फर्स्ट रीज़न। अभी दूसरा रीज़न है ना दोस्तों, जो काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह डिलीट हो रहे हैं, चैनल वगैरह टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसका जो रीज़न है, तो आप तो सबसे पहले टिकटॉक की वीडियोज़ है ना यूट्यूब पर डालना ही बंद कर दो, क्योंकि वहाँ से है ना टिकटॉक वाला रिपोर्ट कर रहा है, या तो कोई क्रिएटर है ना उसके कंटेंट के लिए यूट्यूब पर रिपोर्ट कर रहा है, इसके वजह से आपके जो चैनल की वीडियोज़ है ना डिलीट हो रहे हैं और आपका चैनल भी टर्मिनेट हो रहा है। तो इसी के कारण जो रोस्ट वीडियो का है ना, कभी भी डालो ही मत, क्योंकि आपके लिए कभी भी हानिकारक हो सकता है। आपका क्या जरा देखिए, आप 3.4 मिलियन का जो चैनल है ना, वो 4 साल का इसका मेहनत है कि ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने ये गलती की थी, अपने यूट्यूब चैनल पर कभी भी इन्होंने अपना फेस कैमरा कभी भी यूज़ नहीं किया है, तो इसके कारण इनका जो चैनल है ना आज टर्मिनेट हो गया है, तो इसके वजह से आज ये काफ़ी सारा परेशान है। तो गाइस, अगर आप यूट्यूब पर काम करने के लिए आए हो, तो सबसे पहले अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। आपको यूट्यूबर बनने से पहले आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है। अगर आप एक अच्छा क्रिएटर बनोगे तो आप एक अच्छा यूट्यूबर बनोगे। अगर यूट्यूबर बनने के लिए आप किसी की वीडियोज़ आप लेकर के डालोगे, कल वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम दे देगा या कोई आपको यूट्यूब पर रिपोर्ट कर देगा, तो आपका चैनल है ना टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ऑलरेडी ये हो चुका है, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा और काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपको यूट्यूब पर काम करने के लिए आपका जो भी टैलेंट है वही आप दिखाइए, तो अदरवाइज किसी का वीडियोस लेकर के यूट्यूब पे मत डालिए, नहीं तो आपका भी चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है या तो आपकी वीडियोस वगैरह डिलीट हो सकता है। तो गाइस, अगर आप यूट्यूब पर आए हो तो एक प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए। अभी वैसे भी यूट्यूब पर है ना, यूट्यूब ने अनाउंस कर चुका है कि आप मिक्स कंटेंट भी आप डाल सकते हो, तो आप कुछ ऐसा कंटेंट आप डालिए कि आपके लिए कुछ नया हो, आपको करने के लिए इंटरेस्ट आए, रोज़ रोज़ वही वीडियो बना के आपको बोर हो रहा है, तो अलग अलग टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो आपका एनर्जी भी रहेगा, आपका मोटिवेशन भी रहेगा, तो आपको खुद को अच्छा लगे और पब्लिक को भी अच्छा लगे और ऑडियंस भी आपको देख सके और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आपको आ सके, तो ऐसा आपका ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। तो किसी के और के वीडियोस लेके रोस्ट वीडियो बना के आप मत डालिए। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, फिर मिलता हूँ मैं नया वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके। तो जब तक के लिए गुड डे फ्रेंड्स।